भाजपा नगर उपाध्यक्ष रितेश कपूर की ओर से खंडवा के लाडले सरल सहज लोकप्रिय विधायक माननीय देवेंद्र वर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। खंडवा में शनिवार रात पद्मनगर थाना क्षेत्र के गणेश गोशाला चौराहे पर पेट्रोल पंप के पास दो मुस्लिम युवकों को आंख में मिर्ची डालकर मारपीट कर फरार होने वाले 5 नाबालिग आरोपियों को पद्मनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पद्मनगर थाना प्रभारी ने बताया कि 5 टीन एजर्स नशे में थे। बाइक सवार 2 मुस्लिम युवकों मोहम्मद अदनान और अफजल लोहार को आंख में मिर्ची डालकर इनके साथ मारपीट की। दोनों युवक अपनी जान बचाकर पद्मनगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए। इसके आधार पर 5 टीन एजर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी खंडवा के संजय नगर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 15 से 16 साल बताई जा रही है। पुलिस ने इन 5 टीनेजर्स पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले में उन 2 युवकों का क्या कुछ कहना है और टीआई इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आप भी सुनिए। रात को ये अफजल और उसका एक साथी मोहम्मद अदनान है मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डला के वापस जा रहे थे। तभी 3-4 बच्चे आए सामने से, उनकी ये मोटरसाइकिल वालों के हाथ में मिर्ची झोंक दी और भाग गए। ये लोग भी चले गए। हमको सूचना मिलने पर फिर हमने वीडियो फुटेज के आधार पर 5-6 बच्चों को पकड़ लिया है। नाबालिग बच्चे हैं, पकड़ भी दर्ज कर लिया है। कार्रवाई क्या वजह निकली सर, क्यों मार रहे हैं? कारण मारपीट की है। अभी तक कोई मारपीट का वो कारण मिर्ची फेंकी है, इसका कोई कारण तो अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया। हम उसकी पता कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। के पीछे से 5 से 6 लड़के आए, उन्होंने आँख में मिर्ची डाली और चाकू वाकू निकाल के मारने के लिए भागे। मारने की हमारे को कोशिश करी। हाँ, तो उस वक्त हमारी आँखों में मिर्ची जा चुकी थी, हमारी जान बचा के वहाँ से भागे। वहाँ में दहशतगर्दी का जो माहौल बनाना चाहते हैं ये लोग, किसी कारण गाड़ी टोपी को देख के उन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। आपके द्वारा एफ आई आर करेंगे? हाँ, एफ आई आर करा दी गई है। उनकी नाम दर्ज एफ आई आर हुई है। इनकी 5 जने हैं इसके अंदर, 5 को अरेस्ट कर दिया था। क्या इसके पीछे जो है पुलिस से हम ये चाहते हैं कानून व्यवस्था से कि भाई इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो इसके पीछे उन लोगों तक पहुंचे। आज ये समझ लो कि हम तो बच गए, आज हम उसके हत्या नहीं चढ़ पाए, कल और वो बेगुनाह उसके अंदर साजिशों के पीछे कौन कौन है, प्रशासन उस तक पहुंचे।